एंड सबसे बड़ी अफसोस की बात बस लोगों को यही लगा है कि आरसीबी ने मोहम्मद सिराज को छोड़ दिया है। आरसीबी ने मोहम्मद सिराज को बस छोड़ा है और मैक्सवेल टीम में डिजर्व नहीं करते थे जगह, बट चेन्नई ने भी छोड़ा दीपक चाहर को, ये बात कोई नहीं बोल रहा है। वो बेचारा कई सालों से चेन्नई में। मुंबई ने भी छोड़ा ईशान किशन को, वो भी 2018 से मुंबई में थे, ये बात कोई नहीं बोल रहा है। राजस्थान रॉयल ने बटलर को छोड़ा, ये बात कोई नहीं बोल रहा। बटलर के वजह से राजस्थान फाइनल में पहुंची थी एक बार, और वही बंदा जान था जो मैच जिता लेता था आखिरी तक। गुजरात ने मोहम्मद शमी को छोड़ा, ये बात भी कोई नहीं बोल रहा है। लखनऊ ने केएल राहुल को छोड़ा, मार्कस टोनिस को छोड़ा, मार्कस टोनिस पिछले साल 2 मैच अपने दम पे जीते थे, उस बंदे को छोड़ा। डीकॉक को भी छोड़ा, यहाँ तक कि कोलकाता लास्ट टाइम जिन लोगों की वजह से चैंपियन बना था उन लोगों को कोलकाता ने छोड़ दिया। मिशेल स्टार्क, श्रेयस अय्यर, इन लोगों को कोलकाता ने, अगला फील्ड सॉल्ट। हैदराबाद ने उनके कई पुराने खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार को रिलीज कर, जो 10 साल से हैदराबाद में, उस बंदे को छोड़ दिया उन्होंने। नटराजन भी चला गया उनके हाथ से। नए बॉलिंग यूनिट बनाने में टाइम लगता है, हर टीम को लगेगा, बट अगर कंफर्टेबली कोई टीम इस बार अच्छी लग रही तो वह राजस्थान रॉयल्स अच्छा लग रहा है, और दूसरा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बाकी चेन्नई अपना वही पुराना स्टाफ ले आके वही ठीक ठाक है, बट उसको भी साथ बॉलिंग की थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लखनऊ तो उठपटांग भर दिया है, बट उससे बॉलिंग में भी फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम। गुजरात टीम सटीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा किसको कहाँ खिलाया जाए। उसका बॉलिंग इस बार कंसर्न हो सकता है, रशीद खान को छोड़ दो तो। एंड दिल्ली एक अच्छी टीम बनी है, बट दिल्ली को किस्मत साथ देना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसके टीम अच्छी थी बट किस्मत साथ नहीं देता। सेम पंजाब भी होता है, पंजाब को भी हर बार अच्छी टीम मिल जाता है बट कभी किस्मत साथ नहीं दे पाता, जैसे पिछली बार मुंबई हुआ था। एक सुपरस्टार का टीम था मुंबई, बट क्या हुआ, प्लेऑफ तक भी नहीं पहुँच पाया। इस बार भरे उन्होंने विलजैक को ले लिया सस्ते में, लेकिन क्या गारंटी विलजैक चलेगा, उसका तो मौजूदा फॉर्म भी सही नहीं है। और बाकी तो पता चल जाएगा आईपीएल में सबको।